वीआईपी कल्चर की वजह से एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। बच्चे ही है, दिया देखो ब्लीडिंग हो पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। Shocking case of VVIP racism out there. We are now joined by Brinda Adige, who's an activist, and Preet Narula, who was the eyewitness in this particular case. Let me go across to Preet Narula first, who is joining us live. Preet, thank you very much for speaking with us here on Times Now. Can you tell us what exactly happened on that day? Through the footage, of course, that we've just now shown to our viewers, it's clearly evident how the motorists, the people around that ambulance, were trying to plead in front of these cops who were there, who had barricaded that entire area, to allow this ambulance to pass, but no response at all. In fact, on the other hand, this cop was trying to say that wait for 2 more minutes. Hello. Yes, Preet, if you can hear me, can you please tell us what exactly happened on that day? Ma'am, on 1st April, time was approximate 10 a.m. At that time, that police cop stopped the roads for some VIP movement. After 10 or 15 minutes, one siren sound is coming. Actually, road was totally blocked and लोगों ने बाहर आके अपनी कार साइड पे करी, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अथॉरिटी वाला उस टाइम सामने नहीं आया और उस पर पूरे 15 मिनट्स का टाइम लगा रोड को क्लीन करने में। एक लेन पूरी एम्बुलेंस के लिए खाली की गई उस टाइम और एम्बुलेंस क्लियर पहुंच गई आगे तक, बट उसके भी 5 मिनट्स बाद सबने देखा कि एम्बुलेंस स्टिल उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है, बट क्योंकि पुलिस वाले वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, फिर सारे आगे गए, उनसे रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों से कि उसमें एक पेशेंट है जो छोटा बच्चा था, 2 या 3 साल का आई थिंक, और ब्लीडिंग हो रही थी उसे, तो उसे जाने दो। सबने पहले रिक्वेस्ट करी, उसके बाद जब नहीं माने तो वीडियो में भी क्लियर कट दिख रहा है कि उनके बैरिकेड्स पब्लिक ने हटाए हैं, उसके बाद भी पुलिस वाले उसके आगे आ गए ताकि एम्बुलेंस ना जा पाए, और एट दी एंड लोगों ने ही पुश करा, रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों से कि इन्हें जाने दो। क्लियरली ऑल्सो प्रीत, हमें ये बताइए कि वहाँ पे कितने पुलिस वाले थे, और साथ में हम जैसे देख पा रहे हैं उस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सबने बोला कि एम्बुलेंस में एक छोटा बच्चा है जिसको खून बह रहा है और बहुत जल्दी निकलना चाहिए, फिर भी पुलिस ने अलाउ नहीं किया, क्या जस्टिफिकेशन वो दे रहे थे कि क्यों रोक के रखा हुआ है? कोई वीआईपी मूवमेंट थी, वो कह रहे थे जस्ट गिव अस 5 मिनट, जस्ट गिव अस 5 मिनट। मैं भी ये समझता हूँ वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें ऊपर से ऑर्डर है कि नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि अगर वो जाने देते तो शायद उनकी जॉब चली जाती,
इस सिचुएशन में आपके हिसाब से प्रीत उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें अपनी जॉब के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था या फिर उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था जो उस एम्बुलेंस में है, जिसे हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मैं यही, क्योंकि मैम आप देखो पिछले कितने सालों से वीआईपी कल्चर के हिसाब से इतना अगेंस्ट चल रहे हैं सारे, मतलब, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कहा कि वी आर अगेंस्ट डेट वीआईपी कल्चर, बट कोई एक्शन नहीं हुआ। हमें भी इससे कोई उम्मीद नहीं है कि अथॉरिटी आई थिंक कुछ करेंगी इसे लेके, बट जो उस दिन इंसिडेंट हुआ, मैं थैंकफुल हूँ पब्लिक का कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट करी सबने, हमने ट्रैफिक खाली किया, फिर नहीं माने तो उस बच्चे के लिए सारे लड़े भी पुलिस वालों से, उन्हें पुश किया, बैरिकेड पुश करे, ये बहुत अच्छी बात है पब्लिक। अगर हम पब्लिक ही ये सब करने लग जाए, एम्बुलेंस को जगह दे जैसे उस दिन दिया, ऐसे गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट भी जाना पड़े तो जाना चाहिए पब्लिक को। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ उस दिन।